कॉन्फ्रेंस मुलतवी। गुजरात तालीम कॉन्फ्रेंस आंदा हफ्ते तक मुलतवी की गई। आंदा इजलास की हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। गुजरात तालीम कॉन्फ्रेंस कोरोना की बढ़ती सूरत हाल पर होना थे। मुल्क भर में कोरोना का पारा हाई। मौलिक वायरस एक बार फिर मुंहजोर। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 3,019 केसेस रिपोर्ट। मौलिक वायरस कोरोना से मजीद 5 अफराद जां बहक। कोरोना से जां बहक अफराद की तादाद 28,992 हो गई। मुस्बत केसेस की शराह 6.12% रिकॉर्ड। कल वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया। आर्मी चीफ DG ISI और टीम ने वजीर आजम को अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हमारा मकसद अफगानिस्तान में इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने बहुत काम किया। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ते नजर के करीब आ रही है। वजीर इतलास फवाद चौधरी। कौमी असेंबली में आज मिनी बजट मंजूरी के लिए पेश होगा। अपोजिशन मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए मुतहरिक। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज का फैसला। वजीर आजम इमरान खान इजलास के दौरान पार्लियामेंट में मौजूद होंगे। इतिहादी जमात MCM तजब्जुब का शिकार। हुकूमत की मिनी बजट मंजूर कराने के लिए हिकमत अमली तैयार। तमाम अरकान असेंबली इस्लामाबाद तलब। वजीर आजम इमरान खान खुद भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद होंगे। पार्टी क़यादत की तमाम अरकान को 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। कौमी असेंबली इजलास से कबल PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। सदारत वजीर आजम करेंगे। अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर खौफ होगा। मिनी बजट पर हुकूमत को टफ काम देने का मिशन। मुतहदा अपोजिशन ने कमर कस ली। कौमी असेंबली इजलास के दौरान एहतजाज होगा। पार्लियामेंट के बाहर भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की कॉल। अपोजिशन का मिनी बजट को रोकने के लिए हर कदम उठाने का फैसला। अपोजिशन सप्लीमेंट्री बिल पर झूठ और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। हकीकत यह है कि इससे मईशत दस्तावेजी हो जाएगी। अमीर से टैक्स लेकर खरीद पर लगाया जाएगा। टैक्स का खरीद पर असर नहीं पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में बेहतरी आएगी। आने वाले चंद हफ्तों में महंगाई में कमी आना शुरू हो जाएगी। रहनुमा PTI सेनेटर फैसल जावेद। एक तरफ आपके वो सियासी शोभदाबाज हैं जो आपको ये कहते हैं कि हमारी पॉलिसियां अच्छी थी जब हम धड़ाधड़ कर्जे लेते थे और जब हम फजूल खर्चियां करते थे, जब हम करप्शन करते थे। इन सियासी शोबदेबाजों की बातें सुने तो आपकी अकल दंग रह जाती है। एक शख्स जो है आपके शहबाज शरीफ साहब, वो गरीब आदमी की बात कर रहे हैं और गरीब आदमी की बात, उनके दिल में गरीब आदमी का क्या दर्द है। लेकिन जब उनके TT केस को देखते हैं तो वाकई लगता है कि उनकी गरीब आदमी से इतनी हमदर्दी है, इसीलिए उन्होंने अपने दफ्तर में काम करने वाले गरीबों के अकाउंट में अरबों रुपया डलवा दिया। आवाम से अपील है कि सियासी शोबदाबाजों की बातों पर कान न धरे। बहुत जल्द रावलपिंडी में सेहत कार्ड का इजरा करने जा रही है। 31 मार्च तक पूरे पंजाब को सेहत कार्ड की सहूलत मुयस्सर होगी। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। कुछ सियासी शोबदाबाज मुआशी डॉक्टर्स के तौर पर टोटके आजमा रहे हैं। माजी में भी हुकूमतें IMF प्रोग्राम में जाती रही। PTI की हुकूमत झूठ और सच की जंग लड़ रही है। तर्जमान हुकूमत पंजाब हसान खावर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साने अमरी पर NDM में हुकाम फौरी तलब। साने अमरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर समान। NDMA की इतनी बड़ी बॉडी है, क्या कोई मीटिंग हुई? इस सवाल से बाकायदा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
नाजिम चोखियो कतल केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलीर की अदालत में कतल केस की समाअत। नामजद पांच मुलजमान अबूरी जमानत मंसूख होने पर अहाता अदालत से फरार। मुलजमान पर नाजिम चोखियो को फार्म हाउस पर लाने और तशद्दुद करने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए चीफ जस्टिस की तैनाती। जस्टिस उमर अताबंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। वजारत कानून ने नए चीफ जस्टिस की तैनात समरी पर काम शुरू कर दिया। वजारत कानून समरी तैयार करके सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। सदर की मंजूरी के नोटिफिकेशन जारी होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस उमर अताबंदयाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। कोयटा में हुकूमत और यंग डॉक्टर एसोसिएशन में मुजाकरात का पहला मरहला कामयाब। हुकूमत का गिरफ्तार डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की रहाई का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस भी बहाल। यंग डॉक्टर्स का ट्रामा सेंटर खोलने का ऐलान। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम किए तो एहतजाज खत्म होगा, वरना दोबारा एहतजाज होगा यंग डॉक्टर्स। भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का इमरजेंसी अलर्ट जारी। भारत इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी के 8वें मरहले में है। भारत मुसलमानों की मुकम्मल नस्ली पामाली से सिर्फ एक कदम दूर है। आरएसएस नफरत से भरी नाजी तर्ज की तंजीम, आरएसएस हिटलर को सराहती है। आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच। जौहरी जंग की रोकथाम पर P5 कमिश्नर का बयान मुस्बत पेशरफ्त है। यह मफामत तंजीराती इस्तेहकाम के लिए इकदाम की राह हमवार कर सकती है। जौहरी अदम फैलाव के मकासद की हिमायत करती है। जौहरी हथियारों के गैर इरादी इस्तेमाल के खिलाफ मुअस्सर इकदाम नागुजीर है। तर्जमान दफ्तरी खारजा। हाइपरसोनिक मिजाइल तजुर्बा, अमरीका ने शुमाली कोरिया और रूस पर पाबंदियां आयद कर दी। शुमाली कोरिया की 6 और रूस की 1 कंपनी पर पाबंदी आयद की गई। कंपनियों ने मिसाइल के लिए दरकार मवाद चीन से शुमाली कोरिया पहुंचाया। खबर एजेंसी। वाजबात की अदम अदायगी। ईरान समेत 8 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग का हक मुअत्तल। ईरान के जिम्मेदार 16 मिलियन डॉलर और वेंजवेला के जिम्मेदार 39 मिलियन डॉलर वाजिबुल अलाद हैं। वेंजवेला, सुलान, एंटीगुआ, कांगो, गयाना, न्यू गिनी का हक रायदही भी मौत। खबर एजेंसी। यूक्रेन पर कब्जे का मामला, 2 आलमी ताकतें आमने सामने। रूस कशीदगी में कमी करे और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे। अमरीका की अपील, रूस ने तसादुम का रास्ता इख्तियार किया तो उसके नतायज तबाहकुन होंगे। अमरीकी नायब वजीर खारजा, नेटो की रूस की करीब मौजूदगी नाकाबिले कबूल है। रूस चाहता है नेटो के साथ तनाजात का कोई हल निकाला जाए। रूस की नायब वजीर खारजा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वालों के लिए करंटीना पॉलिसी मंसूख। कोरोना पॉजिटिव अफराद को नई हिदायत पर अमल करना होगा। कोरोना मुस्बत मुसाफिर घर पर 10 रोज करंटीना करेंगे। सरकारी करंटीना सेंटर्स में मौजूद मुसाफिरों को घर मुंतकिल किया जाएगा। 4 सूबों सिविल एविएशन अथॉरिटी को नई हिदायत जारी। और भारत की रियासती दहशतगर्दी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार की काबिज फौज ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। जिला कुलगाम में एक और कश्मीरी जालिमाना तशद्दुद से नौजवान शहीद। मुतअद्दिद जख्मी, भारतीय फौज ने नाम निहार सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवान को निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस।